हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में 58 घंटे तक घरों में कैद रहेंगे लोग। जिला प्रशासन ने एक बार फिर लगाया लॉकडाउन। शहर में लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय ले लिया है। यहां शुक्रवार रात 8 बजे से पूरे 58 घंटे का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ये पाबंदी 10 अगस्त सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवाएं पहले लागू लॉकडाउन के समान ही जारी रहेगी। लॉकडाउन को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि अभी 2 दिन के लिए ये पाबंदी आदेश जारी किए हैं। अगले सप्ताह फिर रिव्यू करेंगे। आजीविका को ध्यान में रखते हुए संक्रमण दर रोकने के उचित कदम उठाएंगे। आदेशों के तहत आज रात 8 बजे से शहर व आसपास के जेडीए सीमा के कुछ गांव में आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। सभी प्रतिष्ठान कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। बिना वाहनों के पैदल भी आवागमन नहीं कर सकेंगे। जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में तैयारी पिछले 2 सप्ताह से भी अधिक समय से की जा रही थी। 3 दिन पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने भी समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर्स को पाबंदी लगाने की बात कही थी। कई स्तर पर बैठकें कर आखिरकार ये आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार अनुमत श्रेणी के अलावा कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा, निजी कार्यालय भी नहीं खुल सकेंगे। आवश्यक सेवाओं में लगे कार्मिकों को छोड़कर किसी सरकारी कार्मिक को भी अनुमति नहीं मिलेगी। पूरे जोधपुर वासियों के सहयोग से उन सबसे चर्चा विचार विमर्श अनेकों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करने के बाद कोरोना के संक्रमण की इस कड़ी को रोकने के लिए और आमजन में एक मैसेज पहुंचे कि किस प्रकार से हम लोग आजीविका और उसके साथ साथ जीवन के बीच में एक तत्समय बिठा सकें, उसके लिए जोधपुर शहर के लिए तकरीबन 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन वॉलंटरी बेसिस के ऊपर, चाहे वो व्यापार संघ हो, चाहे वो एनजीओस हो, चाहे वो हमारा अधिकारी वर्ग हो या आमजन, उनके सहयोग से 2 दिन का जो वीकेंड लॉकडाउन है उसको हम लोग लागू करना चाह रहे हैं। आप सबके संज्ञान में है कि समस्त प्रकार की जितनी भी हम लोग रिलैक्सेशंस, चाहे उसमें मेडिकल हो, चाहे उसके अंदर जरूरी ऐसी आवश्यक व्यवस्थाओं की आपूर्ति हो, वो सभी चीज़ों के लिए पुलिस और प्रशासन जो है इंश्योर करेगा कि जोधपुर वासियों को कम से कम अव्यवस्था का सामना करना पड़े। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।